हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गायत्री क्रिएशन। मैं कोमल आज आपके लिए बहुत ही सुंदर एक ट्यूटोरियल लेके आई हूँ जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर फैब्रिक पैल्ट की, जो आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है और जो आपकी ब्यूटी को और भी इन्हेंस करने वाली है, आपकी ड्रेस को अट्रैक्टिव लुक देने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर सबसे पहले अपने ही जो मेरी ड्रेस का फैब्रिक है वो ले रही हूँ और मैंने यहाँ पे लिया है फ्यूज़न पट्टी, इसको पेपर पेस्टिंग भी बोलते हैं। यहाँ पर मैंने पेपर पेस्टिंग 1.5 इंच चौड़ी ली है और इसकी लंबाई मैं आपको बता दूँ, मेरी जो वेस्ट साइज़ है, कमर साइज़ है, वो 32 इंच है और मैं उसमें से 6 माइनस कर देती हूँ क्योंकि मैं वहाँ पर डोरी लगाने वाली हूँ। अगर आप डोरी लगाते हैं तो अपनी वेस्ट में से 6 माइनस कर दीजिए, अगर आप डोरी नहीं लगाते हैं तो आपको जितनी भी आपकी कमर है उससे कुछ एक्स्ट्रा ही लेना पड़ेगा। उसके लिए मैं आपको और अलग से अल्टरनेट एक और वीडियो बनाकर दिखा दूँगी जिसमें आप पूरी कमरबंद बनाएँ। तो चलिए, यहाँ पर अब मैंने अपनी फैब्रिक पर जो पेपर पेस्टिंग पेस्ट कर ली थी, यानी प्रेस से चिपका ली थी, अब मैं उसी पर ही अपनी लैश अटैच कर रही हूँ। दोनों तरफ से लैश लगाने के बाद अब हम यहाँ पर डोरियाँ अटैच करेंगे साइड में। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपनी डोरियों को रेडी कर लेते हैं। मैं आपको यहाँ पर अपनी वेस्ट मेज़र करके दिखाती हूँ। ये मेरी 26 हो रही है क्योंकि मेरी 32 इंच मेरी वेस्ट साइज़ है, तो यहाँ पर मेरी 26 हो जाती है। तो अब मैं यहाँ पर दो फैब्रिक ले रही हूँ, 4x4 के और 6x6 के, जो मैं अपनी डोरी पे लटकन बनाने वाली हूँ उसके लिए। अब मैं इन्हें ट्राइंगल शेप देते हुए अपनी डोरी पर अटैच करूंगी और मैं यहाँ पर 4 डोरियाँ बनाने वाली हूँ क्योंकि मैं 4 डोरी अपनी बेल्ट पे लगाऊंगी। अब चलिए हम अपनी डोरियाँ रेडी करते हैं। यहाँ पर मैंने डोरी पहले से ही बना ली थी, अब हम यहाँ पर अपनी लटकन बना रहे हैं। मैं यहाँ पर फैब्रिक लटकन यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो मार्केट से भी ले सकते हैं या बहुत सुंदर सुंदर आप घर में भी बना सकते हैं लटकन। तो मैंने यहाँ पर डबल फैब्रिक लिया है अपनी लटकन के लिए और त्रिकोण शेप में बीचों बीच डोरी को रखते हुए हम उसे सील लेंगे। देखिए, इस तरीके से आप किसी भी तरीके की फैब्रिक लटकन बना सकते हैं। अब यहाँ पर मैं बिल्कुल किनारे पर अंदर की तरफ डोरी रखते हुए अच्छे से ऊपर और नीचे एक एक डोरी को अलग अलग रखते हुए सिलाई लगा लूँगी। सिलाई हमें ध्यान करना है कि हमारी डोरी को ना दबा दें और हम हाफ में सिलाई लगाएंगे। उसके बाद हम इसे उलट लेंगे, यानी हम अच्छे से निकाल लेंगे क्योंकि ये हमारी उल्टी साइड है, हम इसे सीधी कर लेंगे। इस तरीके से आप डोरी अगर खींचोगे तो आपकी आसानी से ये सीधी हो जाएगी। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी अपनी डोरियों को सील लेंगे। सो गाइस, आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। साथ में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिले। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो देखिए, इस तरीके से हम दूसरी तरफ से भी अपनी बेल्ट को सीधा कर लेंगे। अब जो हमारा बचा हुआ पार्ट है, हम उसे अंदर की तरफ कपड़े को करते हुए सिलाई लगा लेंगे और अपनी बेल्ट को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर देखिए, मेरी बेल्ट कंप्लीट हो गई है और ये बेल्ट बहुत ही सुंदर अट्रैक्टिव लुक दे रही थी मेरी ड्रेस को। तो आप भी एक बार ज़रूर इसे ट्राई करें और अपनी ड्रेस को अट्रैक्टिव सा लुक दें। तो
मेरी यहाँ पर बेल्ट कंप्लीट है। देखिए ये मेरी बेल्ट कुछ इस तरीके की दिखाई दे रही है। अब मैं इसे आपको कैरी करके दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरीके से हम इसे बांध देंगे पीछे से, और देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है ये। मेरी ड्रेस ही चेंज हो गई थी इसे लगाने के बाद। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।